गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर वन ऑफ टर्म टू बुक्स टर्म टू बुक आवर बोन्स दिस इज द स्टोरी ऑफ नादिया एक लड़की रहती है उसका नाम रहता है नादिया ये उसकी ये स्टोरी उस लड़की पे बेस्ड है लेट अस स्टार्ट नादिया लव्ड प्लेइंग ऑन द मंकी बार्स नादिया को मंकी बार्स पर खेलना बहुत पसंद था मंकी बार मीन्स सीरीज ऑफ बार्स जैसे ये दिख रहा है आपको पिक्चर में ये ये बार्स जैसे दिख रहा है ये एक प्लेस पे फिक्स रहते हैं बच्चे इसके ऊपर चढ़ते हैं कूदते हैं खेलते हैं जंप करते हैं तो ये खेलने के लिए प्ले में बनाया रहता है तो इनके ऊपर बच्चे को खेलना बहुत पसंद रहता है तो इसको बोलते हैं मंकी बार्स ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड वन डे शी वॉज गोइंग अप द बार्स शी स्लिप्ड एंड फेल डाउन जब उनका नादिया का रिसेस पीरियड रहता था तो रिसेस के टाइम पे क्या होता था कि उसको खेलना बहुत पसंद था तो वो किस पे मंकी पे खेलती थी फिर एक दिन क्या हुआ जब वो मंकी बार्स पे जा रही थी तो वहां से वो स्लिप हो गई और गिर गई माई आर्म्स हर्ट्स क्राइड नादिया नादिया रोती है और बोलती है कि मेरे बाहों में लग गई आर्म्स में लग गई है और रोने लग जाती है द अदर चिल्ड्रन एट वॉन्स रेंट टू नादिया टीचर क्लास टीचर the teacher became worried and rang up Nadia's parents. The other children जो दूसरे बच्चे थे वो दौड़ के जाते हैं Nadia की class teacher के पास उनको जाके बोलते हैं the teacher जो teacher होती है वो worried हो जाती चिंतित हो जाती है उनको चिंता होने लग जाती Nadia की और वो Nadia के parents को call कर देती है Nadia's parent पेरेंट, पेरेंट सॉरी नादिया फादर केम इन कार एंड टू नादिया टू हॉस्पिटल नादिया के नादिया के फादर रहते हैं वो कार से आते हैं उसकी स्कूल और नादिया को फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं डॉक्टर डॉक्टर ऑफ जो रहते हैं फिर वहां पे वो क्या करते हैं एक्सरे लेते हैं नादिया का जो आर्म्स का आर्म्स का एक्सरे लेते हैं फिर वो बोलते हैं माई चाइल्ड योर आर्म इज ब्रोकन सेट द डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं मेरे बच्चे आपका हार्म जो है वो ब्रेक हो गया है आपके जो हाथ जो वो आर्म्स बाजू है बाहे ब्रेक हो गई एक बाह ब्रेक हो गई ऐसा वो डॉक्टर उनको बोलते हैं नादिया को ही शोड नादिया द एक्सरे ऑफ हर आर्म वो नादिया को अपने आर्म का एक्सरे दिखाते हैं नादिया कुड सी द ब्रोकन बोन नादिया जो है वो बोन जो उसकी टूट गई है जो हड्डी टूट गई है वो एक्सरे में उसको देख सकती है जो भी अगर अगर कोई को फ्रैक्चर वगैरह होता है तो वो किससे पता चलता है एक्सरे अगर हमारे हाथों में पैरों में कहीं पे भी जो हड्डियों में जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो एक्सरे से पता चलता है तो एक्सरे में पता चल जाता है कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है द डॉक्टर पुट अ प्लास्टर कास्ट ऑन नादियास आम डॉक्टर क्या करते हैं कि जो नादिया का आम है उस पर प्लास्टर चढ़ाते हैं आपको पता ही होगा जब किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर होते हैं कहीं भी कोई भी छोटा मोटा फ्रैक्चर होता है तो उसको प्लास्टर चढ़ता है हाथों पर प्लास्टर चढ़ाते हैं डॉक्टर्स कुछ दिनों के लिए तो नादिया को भी वही चढ़ा था इट विल गेट गेट बेटर इन अ फ्यू डेज से डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा द्रोकन एंड विल अगेन वो फिर से जो जॉइंट्स आपके टूट गए हैं वो फिर से जुड़ जाएंगे देन यू आर मैं वॉज तो जो आपके जो मैंड आर्म्स है जिनको हमने मैंड जोड़ा हुआ जो हम जोड़ते हैं मैंड तो जो आपके मैंडेड आर्म्स हैं वो फिर से

प्लास्टर अपना एक्सरे तो फ्रेंड्स को दिखाती ही है साथ में अपना प्लास्टर भी दिखाती है फ्रेंड्स को शी टोल्ड देम वॉट डॉक्टर हैड सेड अबाउट हर हार्म आम वो उनको ये भी बताती है कि डॉक्टर ने उसके आम के बारे में क्या कहा हर टीचर मिसिस दास आस्कड नादिया हाउ शी वॉज फीलिंग अब उसकी टीचर जो है उसके टीचर जो नादिया की टीचर है वो उनसे पूछती है कि आप तुम्हें कैसा फील हो रहा है कैसा फील कर रहे थे आप नादिया सेट सी वॉस बिल्डिंग मच बेटर मुझको कुछ ठीक लग रहा है देन द टीचर टोल्ड क्लास मोर अबाउट बोन्स अब टीचर क्लास को बोन्स के बारे में और ज्यादा बताती है ये बोन का ये आपको पिक्चर दिख रहा है पिक्चर में पूरे बोन्स के बारे में दिया ये स्केलेटन है स्केलेटन है तो ये क्या है हमारा स्कल है ये कॉलर बोन है शोल्डर ब्लेड रिपकेज बेक बोन, हिप बोन टेल बोन थी बोन शीन बोन एंकल बोन टोस जो पैरों की उंगलियाँ होती है उनको टोज बोलते हैं नीकेब जो घुटनों में होता है घुटनों के पास जो जॉइंट होता उसको है उसको नीकेब बोलते हैं फिंगर्स एंकल बोन ये जो हमारे यहाँ पे एड़ी के ऊपर जो बोन रहता है जॉइंट रहता है वो एंकल बोन ये हमारी जहाँ पे जो हमारे हार्ट को जिससे सपोर्ट मिलता है वो केज बैक बोन जो हमारे पीछे की हड्डी होती है उसको बैक बोन बोलते हैं इसको आर्म्स बोन बो, आर्म से बोलते हैं रिस्ट बोन जो हमारी कलाई होती है वहाँ जो जॉइंट होता है वो रिस्ट बोन होती है कॉलर बोन स्कल जो हमारी हेड होता है उसको स्कल बोलते हैं टीचर टीचर teacher, teacher बोलती है कि हमारे सबकी हमारे पास सबके पास बोन्स होती है हड्डियाँ होती है हमारी बॉडी में वी हैव टू हंड्रेड बोन्स इन अवर बॉडी हमारी बॉडी में टू हंड्रेड सिक्स बोन्स होती है दिस बोन्स मेकअप अवर स्केलेटन जो ये बोन्स होती है इसी से हमारा स्केलेटन बनता है जो हमारी बॉडी को एक शेप होता है जो स्केलेटन दिख रहा था अभी जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया वो स्केलेटन बोन्स से ही मिलके बना होता है इफ़ वी डिड नॉट हैव एनी बोन्स आवर बॉडी विल बी एज शेगी एज अ शेगी एज अ बीन बैग जो हम अगर हमारी बॉडी में कोई भी बोन्स नहीं होती है तो हमारी बॉडी क्या होती है शेगी हो जाती है शेगी बीन्स जो ईजिली कर्व हो जाए मुड़ जाए अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़े या बैठ पड़े तो वो मुड़ जाए बीन बैग जैसा बीन बैग क्या होता है एक बड़ा सारा बैग जैसे उसके अंदर कोई ड्राइड बीन्स भरी हुई होती है जो गेम्स वगैरह में यूज़ की जाती है ऐसे तो उसको हम जैसे क्लॉथ बैग होता है उसमें ये सब भरे जाते हैं अगर हम उस पर ब्लैट और प्रेशर डालेंगे वो पूरी तरह से दब जाता है तो उसको बीन बैग बोलते हैं तो वैसे ही अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होती तो हमारी बॉडी क्या होती शेगी हो जाती ठीक है द बोन्स इन अवर बॉडी हेल्प अस टू मूव जो बोन्स होती है हमारी बॉडी में उसी से हम मूव कर सकते हैं कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं हम मूव कर सकते हैं चल फिर सकते हैं खा सकते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स के कारण है इससे हेल्प मिलती है

हो सकती है कभी भी उनको हम बैंड नहीं कर सकते झुका नहीं सकते बैंड यानी झुकाना या ऐसे मोड़ना उनको नहीं कर सकते हम सो अलेटन हैज्वाइंट जो हमारी बोन्स तो मोड़ नहीं सकते हम उनको तो हमारे क्या होता है स्केलेटन में ज्वाइंट जगह जगह ज्वाइंट्स है दिस ज्वाइंट आर लाइक टू हिंस ऑन डोर ये क्या होता है कि हमारे जॉइंट जो बॉडी में होता है किसे कुछ जिस टाइप के होते हैं जैसे दरवाजे पे नहीं होता है वैसे विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट्स वी कैन बेंड आवर एंकल्स नीज रिस्ट एंड एल्बोज तो ये क्या होता है जो जॉइंट से हमारी बॉडी को बेंड करने में हेल्प करते हैं जो हमारे एंकल्स है नीज है रिस्ट है एल्बो है इन जॉइंट्स की हेल्प से हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प मिलती है वी हैव जॉइंट्स इन आवर जॉज इन आवर हिप्स एंड इन आवर शोल्डर्स ऑल्सो जो जॉइंट्स है वो हमारे जॉज में भी है हिप्स में भी है शोल्डर्स में भी है यहाँ हमें भी यहाँ पे भी जॉइंट्स है मिसेस दास टोल्ड द क्लास मैनी थिंग्स अबाउट बोन्स जो मिसिस दास है वो क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताती है बोन्स के बारे में शी सेट डैड गुड फूड एंड एक्सरसाइज हेल्प अवर बोन्स टू ग्रो एंड टू कीप देम स्ट्रोंग वो क्या बोलते हैं कि जो उनकी टीचर है वो ये बताते हैं कि जो गुड फूड है अच्छा खाना और एक्सरसाइज हमारी बोन्स को मजबूत बनाती है स्ट्रॉन्ग बनाती है और उन्हें बढ़ने में भी हेल्पफुल रहती है शी एडवाइज द चिल्ड्रेन टू हैव मिल्क एग्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली वो बच्चों को एडवाइज करती है कि उन्हें मिल्क चिल्ड्रन को बच्चों को मिल्क एग और वेजिटेबल्स रेगुलरली खाना पीना चाहिए नाउ इट वॉज द टाइम फॉर द लास्ट बेल अब जो था लास्ट बेल का टाइम आ गया था एज सुन एज द बेल रेंग चिल्ड्रेन रेंग फॉर देयर होम होम्स जैसे ही बेल बजती है लास्ट बेल बजती है चिल्ड्रन अपने घर के लिए भाग पड़ते दौड़ पड़ते आपने भी दिया आपको भी याद होगा जब आप स्कूल आते थे तो स्कूल में जैसे ही छुट्टी होती थी वैसे ही आप लोग बैग लेके फटाफट दौड़ चले जाते थे भाग जाते थे आई शेल ऑलवेज़ हैव मिल्क एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट मैं हमेशा अपने लिए दूध और ब्रेकफास्ट लूँगी ऐसा ना ब्रेकफास्ट में ब्रे, मिल्क और एग्स लूँगी नादिया अपनी मदर से बोलती है फॉर माई लंच एंड डिनर आई शेल ऑलवेज हैव वेजिटेबल्स आई शेल गिव अप माई हैबिट ऑफ ईटिंग फास्ट और जंक फूड आई वॉन्ट टू कीप माई बोन्स स्ट्रोंग वो बोलती है कि मैं अपने लंच और डिनर में हमेशा वेजिटेबल्स खाऊंगी हमेशा आई शेल गिव अप मतलब गिव अप है ना छोड़ देना तो मैं अपनी जो हैबिट है जंक फूड को खाने की उन सबको छोड़ दूंगी आई कीप आई वॉन्ट टू कीप माई बोन्स स्ट्रांग मुझे अपनी बोन्स को स्ट्रोंग करना है तो दादिया भी अब अच्छी डाइट को फॉलो करने लगी है अच्छा खाने लगी है ताकि उसकी बोन्स स्ट्रांग हो जाए तो आप लोग भी वेजिटेबल्स खाएँ रेगुलर दूध पिए जिससे दूध पिए मिल्क पिए मिल्क लें एग्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाएँ वेजिटेबल्स खाएँ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपकी बॉडी स्ट्रांग बने बोन्स स्ट्रांग बने हेल्दी रहें आप अच्छा खाएं पिए मस्त रहें Thank you, have a nice day.